कहा मैया आपके बिना वो निकल नहीं पाएंगे। मैया कहे हे नारद करना क्या होगा। कहा भगवान वैसे प्रदान दे चुके हैं कि उनको निकलना मुश्किल है। निकलने की एक रास्ता है कि आपको यहां से चलना होगा और पताल में जाकर राजावली के अंदर में चीन जान चीन परचय कुछ नहीं, बेधड़क जाना है। राजावली को हाथ में जाकर कंगन बांधना है जिसे संसारिक रीति में सच ये राखी बंधन कहते हैं। कहते मैया तो इतना काम कर भोने राजा बली के हाथ में राखी बांध भोने तबे राजा खुश हो जाए था। तबे राजा का तुम गे बहिन मांगे तो तुम की मांगो तो यह मांगो कि हो भैया तोरा द्वार में एगो बौना छे ओकरा दे दे तबे तो निकले के मौका बनी जेते। चलो नारद के ज्ञान पे मैया लक्ष्मी चलती है। हरे धरिए नागरी अरे भैया अरे पतरपुर नागरी अरे चाल रहे अरे धरिए रे डगरी अरे पतरपुर नागरी अरे चाल रहे धरिए हो डगरिया पतरपुर नागरी अरे ये कब सवारे चल रे भैया को सवारे तो सरार चाहे राजा बनी भी तो मैया लक्ष्मी जी बेधड़क घर चली जाती है। राजा बनी के हाथ में जब कंगन बांधती है तब राजा बनी कहे गे बहन अबे तो मर्त लोग से पता ले लिया आबे इतना बीतना के बाद तो आई लें राखी बांधे ले कहियो आवे नहीं रही। कैसे हो भैया इतना लंबा चौड़ा राज है कहीं से कहीं बझे रहते हैं आने का मौका कहाँ लगता है। आए तनी को मौका लागल हम तो राखी बांधे लेबे तो की देवे हमारा हमारा अगर दैंक जो तो तोरा दुआर में एगो बौना है वे बौना का दे दे। राजा बली कहे कि बौना की करते कोदार पारते खुरपी पारते कहे जे करते वह करते तो हमारा बौना के दे। तब राजा को ऑर्डर करना पड़ा कहते रे भैया आज तक तो रहना हमारा लिगा अब जो हमारा बहन का ड्यूटी करी तब तो बौना को निकलने का मौका रे भैया। आ बौना मैया लक्ष्मी जो संग होती है तो मैया लक्ष्मी समझाने का काम करती है। कहते हे ना हरे नहराम चल रे अरे पांच गो भाई बा हरे रे पची से अगण रे भतीजवा चाल ना हो आहो नहराम चल पांच गो ससुरार में छे रहे
ससुरार में चले पाँचा को भैंसुरवारे पच्चीस को देवरवा चाल हो ससुरार में चले बाबा।